दूसरी बात ये है, परसों हमारा एज यू नो कि हमारा टॉपिक जो हमारे ट्रेनिंग का टॉपिक है वो हम पहले हमने लिया था सेल्फ एक्सप्रेशन, पर्सनालिटी और इंटरव्यू स्किल्स। तो हम सारे एक टाइम पे एक चीज नहीं कर सकते। मैंने परसों आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हर चीज के बारे में दिया था। अब बात करने पे मेरे को एक चीज ध्यान में आई, क्योंकि कोविड है, एक इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो सकता आप लोगों के साथ, जो कि बहुत अच्छा होता। एंड आई एम श्योर आप लोगों के पास भी बहुत कुछ बोलने को होता, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोग बहुत कुछ सीखते। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना जो हमने परसों पहले जो इंट्रोडक्शन किया था उसके बारे में थोड़ा आइडिया दिया मिल जाए मुझे। तो मैंने जो आपके सेंटर्स पे हेड्स हैं उनसे बात करी थी, उनको दो सवाल भेजे थे, उसमें 5 पॉइंट्स में आपने अपने बारे में बताना था कुछ, और 5 पॉइंट बताने थे आप इस ट्रेनिंग से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपकी क्या उम्मीद है। और कुछ कुछ चीजें मेरे पास आई जो कि बहुत खुशी की बात है, इतने मुश्किल दौर में भी और टाइम निकाल के भी आप लोगों ने उसके आंसर्स लिखे, विच इज वेरी नाइस। तो आई थॉट पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मुझे ये आइडिया मिलेगा कि आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हैं इस ट्रेनिंग से, आप क्या सीखना चाहते हैं, इससे मुझे वो आइडिया भी मिलेगा और हम उसको भी अपने ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हैं ताकि सबको इस ट्रेनिंग से फायदा हो, राइट? सो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं इन जनरल इसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। जो पॉइंट्स मेरे पास आए थे, कहीं कहीं से सेंटर से आए थे मेरे पास, ये किसी ने लिखा था अपने बारे में कि वो बहुत अच्छा पकाती हैं, उनको अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। किसी ने लिखा था मैं एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ। किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज लिखी थी, सुनिए अगर सारे, उन्होंने लिखा था, एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। Somebody had written कि मैं अपना काम बहुत सही से कर रहा हूँ, काफी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा प्राउड हो गया है। What is the meaning of proud? अब देखिए, जैसे आप लोगों को मेरे से सीखने को मिल रहा है, मुझे आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे इसमें वर्ड्स ऐसे थे जो कि बहुत अच्छी हिंदी थी और मुझे बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती है, तो मैंने एक्चुअली बैठ के गूगल पे सर्च किया उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, तो मैंने वो लिखे, मुझे अच्छा लगा ये सब करके। तो ये मैं आपको ही नहीं सिखा रही हूँ, मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो एक थोड़ा सा घमंड सा हो जाता है ना कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। तो किसी ने लिखा था ये, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आपने ये शेयर किया कि मेरे में थोड़ा सा घमंड सा आ गया है, मैं उसको यू नो ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने आप को थोड़ा हम्बल रखने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर किसी ने एक पॉइंट लिखा कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे अंदर अपने स्वभाव के बारे में लिखा था, मैं दूसरों की मदद करता हूँ या मैं करती हूँ, ये भी लिखा था, मुझे दूसरों से अच्छे से बात करना पसंद है, दूसरों के काम आना पसंद है, मैं चाहती हूँ, किसी ने लिखा था मैं चाहती हूँ मेरे से सब अच्छे से बात करे, बहुत अच्छा पॉइंट था। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आए थे मेरे पास, और मैं बताती हूँ क्या पॉइंट था। हाँ, फिर किसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जो कि खास तौर पे हमेशा ये होता ही है, किसी ने लिखा था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, मेरा आत्मविश्वास जो मेरे अंदर है मैं बहुत लो है, मेरे अंदर मेरा बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ इस ट्रेनिंग से मेरा वो ठीक हो जाए, मेरा वो बेटर हो जाए। फिर एक जो ट्रेनी थे उन्होंने लिखा था कि मैं यहाँ पे जो भी सीखूंगा तो मैं चाहता हूँ उसको मैं अपनी लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे वो मेरे आगे लाइफ में काम आएगा, मैं उसको कैसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। फिर एक ने लिखा था कि मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज है लेकिन मैं अपने आप को और बेटर करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, सारे लोग अलग अलग किस्म के लोग हैं, समझ रहे हैं आप? आप जैसे हैं, आप हंसते हैं, खेलते हैं, शोर मचाते हैं, कोई होगा जिसको ये सब नहीं पसंद है, बहुत शांत स्वभाव का होगा। तो जब, क्योंकि आपको ये पसंद है जरूरी नहीं है अगले को भी ये पसंद होना जरूरी है। ये ट्रेनिंग है इसलिए ताकि हम लोग, आप लोग आगे जाके भी घर के अलावा बाहर भी काम में भी एक दूसरे को सही से समझे, किसी की बात को समझना उसके हिसाब से, मैं नहीं कही आप उसके हिसाब से करें, लेकिन किसी को माहौल देख के चीज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई दबा रहा है,
उसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरी तरह मतलब आप कमजोर इंसान है, ये बहुत गलत एक दिमाग की सोच है, ऐसा नहीं होता है। जब आप दूसरे को समझ के चीज को करते हैं, उसमें वो इंसान जो दूसरा होता है या दूसरे लोग होते हैं वो भी आपके साथ मिलके उस काम में आसानी हो जाती है करने में। आप सपोज घर में हैं, आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं घर का ही पहले एग्जांपल देती हूँ, क्यों मैं घर का एग्जांपल ले रही हूँ पहले आप अंडरस्टैंड करिए कि घर का मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि घर हमारा सबसे पहला स्कूल है, हम लोग घर से ही सारा कुछ सीखते हैं। Am I right? आप कहीं पे भी जाते हैं तो घर से ही निकल के जाते हैं ना, चाहे दो जने रहते हैं, चाहे चार रहते हैं, चाहे दस रहते हैं, चाहे आप अकेले रहते हैं, घर इज होम इज होम। तो होम इज अ फर्स्ट स्कूल वेयर यू लर्न एवरीथिंग। घर में सपोज आप कोई त्योहार आप कोई कोई समझिए आप कोई पार्टी रखना चाहते हैं, आप कहते हैं जी हमारे घर में मैं किसी को मैं बुलाना चाहता हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी, कजन्स को भी, सबको भी, तो मेरे को तो मंडे को रखना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या मैं तो वेंसडे को रखना है। आपके भाई या बहन है वो कह रहे हैं या वेंसडे मत करो, मेरा उस दिन बहुत बड़ी मीटिंग है, मैं तो 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचूंगा। आप कहते हैं नहीं मुझे तो वेंसडे को रखना ही रखना है, आधा टाइम इसी में लड़ाई झगड़े में जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हैं घर वाले सारे शामिल हो, तो उसमें सबकी रजामंदी बहुत जरूरी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया आपने उनकी बात नहीं, आपने उनकी बात मानी तो आप झूठ गए, ऐसा नहीं है। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, राइट? तो ये जो पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं, जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं, मैं इंसान बेटर इंसान बनना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ यहाँ पे क्या क्या है। और किसी ने ये पॉइंट लिखा था, मैं अपने आप को और बेहतर करना चाहता हूँ, आई एम स्केयर्ड एंड फील नर्वस, मेरे को बहुत घबराहट होती है जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम है। और एक ने लिखा, एक और ने भी लिखा है कि मेरे अंदर बहुत घबराहट होती है जब मैं इंटरव्यू के जब मैं जाता हूँ, मेरे अंदर बहुत घबराहट होती है जब मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, जो मुझे आता है मैं वो भी भूल जाता हूँ। ये बहुत आम सी बात है, ये आप ही के साथ नहीं होता है। प्लीज एक बात समझिए, हम लोग सब एक ही दुनिया में रह रहे हैं, सिर्फ जगहों का फर्क है, माहौल का फर्क है, घरों का फर्क है। बाकी एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, फाइनेंशियल जो होते हैं, पैसा कितना किसके पास है वो हमारे, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो उसको कभी भी हम लोग बीच में नहीं लाते, ठीक है? आप लोगों को भी उसको कभी भी, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, काम पे जाते हैं, जॉब के लिए जाएंगे, उसके लिए कभी नहीं सोचेंगे, उसके लिए हम बाद में इन चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे लिए इस टाइम पे इसको सामने लाना बहुत जरूरी था। आई डोंट रिमेम्बर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और पीपल व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू, जब भी मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, किसी ने लिखा है, तो मेरे को घबराहट सी होती है, और जब मैं जाके बैठता हूँ, मैंने जो सोच के भी आया होता हूँ कि मैं ये बोलूंगा, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा, मैं वो सब भूल जाती हूँ। बहुत आम सी बात है, बहुत ही आम सी बात है। ओके, किसी और, फिर एक और पॉइंट आया कि मैं इस ट्रेनिंग से सीखना चाहता हूँ काफी कुछ, और मैं उसको अपने उस ट्रेनिंग से सीखने के बाद फिर मैं एक अच्छा जॉब चाहता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। अगर आप देखें, मैंने आपको परसों भी बताया था, सारी चीजें, चाहे कोई भी ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है, कैसी भी ट्रेनिंग है, सारी आंखें खत्म होती है जॉब पर। हम सबको जॉब्स चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अब वहां तक पहुंचने का रास्ता हम ठीक कर रहे हैं, वहां पे पहुंचने का तरीका हम कैसे जाएं, हमको क्या क्या पसंद है, हमारे अंदर क्या हुनर है, हम उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, बहुत सवाल आते हैं, बहुत ही रुचिपूर्वक हम इसको कर सकते हैं, एक बहुत हैप्पी स्टेट में कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्ट से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास आई थिंक टोटल 8-10 मेरे पास आंसर्स आए, शीट्स आए। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, हमारा आपस में हम डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई आपके हेड्स जो है आपको काम देते हैं, मैं उनको बताती हूँ ये काम उनको बोलिए, आपको बोलिए करने को, उनको जरूर, आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे ही लिख के सफाई से जरूर भेजना है, ताकि वो लोग मुझे भेज दें। अब उन्होंने, जिन स्टूडेंट्स ने ये लिख के भेजा है, अपने अपने पॉइंट्स लिख के भेजे हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा टाइम निकाल के लिख के भेजा, तो मुझे थोड़ा आइडिया मिला आप लोगों को और क्या सीखना चाहते हैं इस ट्रेनिंग में। ऐसे ही अभी भी देर नहीं हुआ है, आज आप लोग, आप में से जो जो नए आए हैं या अभी और आ रहे हैं, प्लीज ये पॉइंट्स जो आपके जो हेड्स हैं, जो सेंटर हेड्स हैं, उनसे पूछिएगा,
मैंने जो जो सवाल दो दिए हैं तो आप उनके आंसर्स लिख के उनको भेजिए, वो मुझे अब ईमेल पे भेज देंगे, वो आगे जो नए पॉइंट्स होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आइडिया यही है ट्रेनिंग करें, लेकिन वो ट्रेनिंग में भी वो भी करें जो आप लोग भी सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको भी फायदा हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है। सो ये हमारे पॉइंट्स परसों के थे। अब बात आती है, अगर हम इसमें से एक पॉइंट उठाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का पॉइंट, अगर हम एक बात उस करते हैं कि हम दूसरे के सामने बात कैसे करें, हमें घबराहट होती है, हमें प्रॉब्लम होती है, इस पॉइंट को लेके चलते हैं। एक चीज आप लोग सब मानेंगे, आप लोग समझेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। आई एम श्योर आप लोग ये बात समझते हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से फिर से है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि मैं पढ़ सकूं, और ऐसी कोई चीज है हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, राइट? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से हमको एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मुझे लग रहा है हम सब लोगों के लिए आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी मैंने इंटरेक्ट करा है, पहले भी मैं इंटरेक्ट करती रही हूँ, उनसे वार्तालाप बातचीत करती रही हूँ, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कोई भी आप में से ऐसा है जिसमें कि बोलने की क्षमता नहीं है, जिसमें कि बोलने का आत्मविश्वास नहीं है, सब में है। बस एक हिचक है जो आप लोगों को रोकती है कि मैं कैसे बोलूं, और वो बताऊं क्या है, आप लोग सब इस बात को मानेंगे, वो ये प्रॉब्लम है कि आप लोग सोचते हैं ना, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है, मुझे तो बड़ी कम आती है, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं वैसे बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा। एम आई राइट? ऐसा है? मैं सुन नहीं सकती आप क्या बोलेंगे, बट डेफिनेटली नितिन ने हाथ उठाया से यस ऐसा है। सो राइट, तो अब ये समझिए ये प्रॉब्लम है जी, हाँ ऐसा है। इसकी वजह से ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, ये मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा जो आत्मविश्वास, हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, वो बहुत नीचे चला जाता है। आपसे मैं एक ही सवाल करूंगी, मैंने आपको बोला मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती, ऑनेस्टली नहीं आती अच्छी, तो मैं क्या करूँ फिर? आपको पता है मेरे को इंग्लिश में इतना देखने का प्रॉब्लम नहीं होता, ट्रेनिंग के पार्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे जो इसमें कई वर्ड्स होते हैं मुझे उसके बारे में मीनिंग्स लिखने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, तो मैं क्या करूँ? शुड आई स्टॉप ट्रेनिंग? नो, आई विल नॉट स्टॉप ट्रेनिंग, मैं इंग्लिश की ही ट्रेनर हूँ, लेकिन मेरे को अगर आप लोगों से इंट्रैक्शन करना है, जो कि मुझे ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे जुड़ना ऐसे बहुत पसंद है, ये ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। लेकिन जहां नहीं आती उसका क्या मतलब है? मैं सोचूं मैं कैसे बोलूं? अब मैं हो सकता है कई वर्ड्स बहुत अच्छे नहीं बोल रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ क्या मैं इनको क्या बोलूं, ये क्या सोचेंगे, जो मैंने पढ़ा, जो आप लोगों ने भेजा है, मानिए जिन जिन ने भी इनको लिख के भेजा है, कई लोगों की हिंदी तो बहुत अच्छी है उसमें, मुझे तो आती नहीं उतनी अच्छी हिंदी, मुझे तो घर में कोई था उससे पूछना पड़ा कि जरा बताइए इनके मीनिंग क्या है। अच्छा, दूसरी बात, क्या मुझे फ्रेंच आती है? आपको फ्रेंच आती है? आपको रशियन आती है? मुझे आती है, हमें नहीं आता। कल को अगर आप रशिया जाते हैं, चले आप छोड़िए, मैं जाती हूँ रशिया, मेरे को इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, मैं ट्रेन हूँ, ये हूँ, वहां मैं क्या करूंगी जाती, मैं क्या करूँ वहां जाके, या तो मैं वहां जाऊं नहीं, मेरे को अगर कोई काम मिल रहा है मैं करूँ नहीं, मैं यही करूंगी, मैं अपने बारे में यही सोचूंगी, मुझे नहीं आता है मैं काम नहीं करूंगी। एक चीज समझिए प्लीज, हमारी कंट्री में इंग्लिश की इसलिए ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर आप सब जानते हैं, सबको पता है, हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल बहुत टाइम रहा, राइट? उस टाइम इंग्लिश को बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती, दैट इज अ रीजन। वो अलग बात है, आप बहुत सारे ऑफिसेज में, जगहों पे इंग्लिश जो है उसको, हिंदी को बहुत महत्व देते हैं, तो मेरे जैसे लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हिंदी को अगर ज्यादा महत्व देंगे, तो वहां पे सारे सारे ऑफिसेज में मोस्टली जो बेसिक लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है कॉमनली इंग्लिश यूज होती है, उसी वजह से इंग्लिश आनी जरूरी है, और कोई रीजन नहीं। मेरी आपसे सजेशन है,
आप लोग अगर इंग्लिश पे अपने काम करें थोड़ा बहुत, आपकी ये प्रॉब्लम डाउन हो जाएगी। लेकिन ये सोच के कि मेरे को क्योंकि जॉब चाहिए मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ये नहीं सोचिए कि ओहो ये क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगा, मुझे इसमें इंग्लिश आनी जरूरी है। आठ चार पांच जने खड़े हैं उनको इंग्लिश आती है और मैं एक हिंदी मुझे आती है, लेकिन मैं जाके कैसे खड़ा हूँ, मेरे को तो बहुत हिचकिचाहट होगी। क्यों ऐसा नहीं है? मैं ये भी मानती हूँ आप बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपके जानने वाले फ्रेंड्स हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि ये देखो उसको भी, आपस में एक दूसरे को इशारे करते होंगे कि इसको तो इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन अगर आपको फैक्ट मालूम है, क्योंकि हमारे इंग्लिश का चलन बहुत था पहले, इसीलिए वो एक हैबिट सी बन गई हमारी कंट्री में। यकीन मानिए जितने ऑफिस में जहां जहां भी कितनी भी हिंदी डाली जाए, कितना भी हिंदी को वहां पे एड्रेस किया जाए कि मेन हिंदी लैंग्वेज है, तब भी इंग्लिश ऐसे ही रहेगी, हमेशा ओवरपावर करेगी। तो इसीलिए अब मैं आप में से बहुत सारे आईटी में हैं होंगे, आप लोग सीखते होंगे। ऑनेस्टली मेरे को लैपटॉप की और कंप्यूटर की लिमिटेड नॉलेज है, जितनी होनी चाहिए। तो मेरी नॉलेज आईटी की, जैसे कंप्यूटर की लिमिटेड नॉलेज है, जूम चलाना, बाकी सोशल मीडिया चलाना, या आप लोगों से जैसे इंट्रैक्शन हो रहा है, या अदरवाइज वर्ड पार एंड ऑल दैट। अब इमेजिन करिए आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनको अच्छी नॉलेज होगी, मुझे तो नहीं है। सो मुझे क्या कॉन्फिडेंस लो फील करना चाहिए अपने बारे में? नहीं। सो प्लीज पहले तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो एक स्टूडेंट थी इन्होंने लिखा था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, सबके मैं सबकी चीजें सामने लाना चाह रही हूँ, हो सकता है वो नहीं अपना शेयर करना चाहती होंगी, ना विच इज ऑल राइट, इट्स ओके। सो प्लीज पहले ये समझिए कि आप एक चीज की वजह से, एक इंग्लिश की वजह से कि मेरे बाकी क्या सोचेंगे, ना आई एम श्योर ये प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है यही प्रॉब्लम है। आप एक चीज की वजह से अपने बाकी जो क्षमता है, बाकी जो स्किल है, बाकी जो हुनर है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सारे को दबा रहे। खुद सोचिए इसके बारे में। एक दिन में इंग्लिश नहीं आती, उसको धीरे धीरे करके समझ के बात करके आ जाएगी, बट आप बाकी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप अलग नहीं रख सकते। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको बाकी चीजों में काम करना है। देखिए लाइफ एक बार आती है, साल साल निकले जा रहा है, पढ़ाई आपकी होती जा रही है, आप करिए। अगर आपका आपके अंदर वो विल पावर होगी कि मुझे करना है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगी, और अभी धीरे धीरे आ जाएगी, समझने के लायक आ जाएगी, बात करने के लायक आ जाएगी। प्लीज इसमें शर्म की कोई बात नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं बोल रही हूँ आपको। अब आप कहेंगे जी इंटरव्यू में क्या करें? इंटरव्यू में भी आप जाते हैं तब तक थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको आइडियाज दे दूंगी कैसे करना है क्या करना है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत लिमिटेड इंग्लिश आती थी और वो इंटरव्यू में गए हैं, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से उनको बोला है मुझे कम इंग्लिश आती है, आई नो आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, मैं उस पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप मुझ पर भरोसा करिए, मुझे जॉब दीजिए, फिर तो आपके हाथ में, आप मुझे जॉब पे नहीं रखना है, नहीं रखना, रास्ता निकालना हमारे हाथ में। यू अंडरस्टैंड? एक चीज की वजह से हम अपना सारा काम बंद नहीं कर सकते, उसको हम क्लोज करके नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अगर हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, तो हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बताया दबके रह जाती है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। किसी को कुछ लिखना है चैट बॉक्स में प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट। यहाँ पे मेरे पास गुड आफ्टरनून आया है, ऊपर किसी ने हिंदी में भी लिखा हुआ है, सरिता ने, रेखा ने लिखा है, और भी किसी को कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मैम चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने। मैम कुछ इंटरव्यू टिप्स बताइए। जी 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 इंटरव्यू टिप्स किस टाइप की आप पूछना चाहते हैं? वेरी गुड, किस टाइप के इंटरव्यू टिप्स पूछना चाहते हैं आप? आप कैसे ड्रेसअप होते हैं, या आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या वहां पे क्या पूछा करा जाता है, आप क्या पूछना चाहते हैं? और भी कोई है लिख सकते हैं। इंटरव्यू में देखिए बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास आपस में डायरेक्ट बात करने का कोई माध्यम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, मतलब इस पे भी अभी इतना इजी नहीं है हम बात कर सकें, बट डेफिनेटली वही बात हुई ना, जहाँ जहाँ चाह है वहां रहा है, लेकिन अगर हमारे को कुछ सीखना है करना है तो हम ऐसे भी सीख कर सकते हैं।
इंटरव्यू के बारे में लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू को थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में पॉइंट करते हैं. ये है मैम अच्छा हम अप, किसी ने लिखा है ज्योति ने, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर. ठीक है, प्रेजेंट का मतलब हम कपड़ों से कर रहे हैं, अपने आप को अपने सामने कैसे दर्शाते हैं, कैसे बात करते हैं. थोड़ा सा हम ना सिंपली स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. सपोज आपको एक जॉब पहले मैं यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करते हैं. आपको मैं बाद में नोट्स भी दूंगी, लेकिन नोट्स में जो आपको गूगल में भी आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन जो आप इंट्रैक्शन में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो नोट्स में नहीं मिले. ठीक है, सो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग में आया करें और अभी ज्यादा से ज्यादा लोग सुने. सबसे पहले हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं. आपको एक कंप्यूटर इंजीनियर या समझिए कोई एक टीचर का जॉब चाहिए सपोज. ठीक है, आपको एक टीचर का जॉब चाहिए और आपके माइंड में आता है मैं ढूंढू. आपके पास न्यूज़पेपर है, आप उसमें देखते हैं आपको क्या करना चाहिए. आपने देखा एक स्कूल में जरूरत है एक टीचर की जॉब की, आप सोचते हैं वाओ मैंने तो बीएड करा है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ. अब पहले आपको क्या जरूरत है, आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको रेज्यूमे की जरूरत है. प्लीज प्रोनाउंसिएशन सुनिए, रेज्यूम नहीं होता है. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है बोलते हुए रेज्यूम. एंड प्लीज एक और बात, अगर आप कोई चीज ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड करिए, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है. कोई चीज नहीं समझ आती है, हम इसीलिए बैठे हैं ट्रेनर्स की, आप पूछ सकते हैं कि मेरे को ये प्लीज इसका प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए. समझे आप, पहले आप रेज्यूमे अपना आपके पास होगा, आपने तैयार करा होगा, वो हम अलग क्लास करेंगे रेज्यूमे की. ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पूछा है. यहाँ पे एक रेज्यूमे अपना रेडी करके रखेंगे, एक फाइल कवर साफ सुथरा उसमें वो रेज्यूमे रखेंगे हम. ठीक है, आपके कोई स्कूल के सर्टिफिकेशन है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसमें डाल के रखेंगे, आपकी ओरिजिनल भी रखेंगे, आप फोटो कॉपी भी रखेंगे, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स छोटी छोटी 3-4 रखेंगे, पेन रखेंगे, ये आपकी फाइल फोल्डर में होना चाहिए. राइट, सेकेंडली जब आपने न्यूज़पेपर में यहाँ कहीं पे सुना, एडवर्टाइजमेंट में देखा कि एक टीचर की जॉब है, आपने उसको मार्क किया कि मुझे इस स्कूल में जाके मैं बात करूंगी, इसकी इंटरव्यू की डेट समझिए 1st, 2nd, or 3rd. नंबर 1, वो जो स्कूल है, अब ध्यान से सुनिए, जहां भी जाते हैं पहले उस स्कूल के बारे में, जहां आप जा रहे हैं, जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपको वो सवाल पूछेंगे आप जवाब देते जाएंगे, आपके पास वो आपको स्कूल के बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं. थोड़ा सा उस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में पता करिए, वो कितना बड़ा स्कूल है, कितने बच्चे, थोड़ा बहुत थोड़ा एक आइडिया आपको मिलना चाहिए. देखिए, जब आपके पास एक आप वेल इन्फॉर्म जाते हैं कहीं पर, जब आपको पता होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, यकीन मानिए ये सारे पॉइंट्स ऐड होते हैं जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है. जब हम बाद में करेंगे ना इंटरव्यू, फिर आपको पता चलेंगे पॉइंट्स, आपको आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, हम इंटरव्यू इस अगर कोई चीज ऐसे हमारी खराब होती है तब भी पास कर लेते हैं, उसके रीजंस होते हैं. तो थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे वर्क प्लेस के बारे में, वर्क प्लेस कैसी है, कहाँ पर है, अभी लगभग कितने बच्चे होंगे, प्रिंसिपल कौन है, ये सब थोड़ा सा पता करके वहां जाएंगे. ठीक है, नंबर 2, आप वहां पे जाते हैं स्कूल में, ये मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपका 10 बजे का आपका इंटरव्यू है, आप वहां पे 9:45 पहुंचे, मींस 9:45 वहां पहुंच जाए, 9:45 पे वहां पहुंच जाए, वहां बैठेंगे आराम से, थोड़ा देखेंगे बारेंगे. कोई भी जो भी होता है वो इंटरव्यू जाने के लिए थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा हिचकिचाता भी है, थोड़ा सा घबराहट होता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, थोड़ा सा होता ही है. ठीक है, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा होना भी चाहिए, क्यों नहीं, तो वो तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होएगा, मुझे सारा आता है. समझे आप सॉरी, जाते हैं वहां बैठते हैं, वेट करते हैं. अच्छा, अब फिर घर वापस चलते हैं. आपके कपड़े आपके पास, मैंने उस दिन भी बोला दो सेट है कपड़ों का, 3 है 4 है 5 है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो कितनी छोटी कंपनी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी सूट है अच्छा खासा, जो भी है सही है, चमकीला भड़कीला या छोटे बाजू वाला या डीप नेक वाला, लड़कों के लिए मैं बोल रही हूँ, लड़कों के लिए भी आधी बाजू वाला, ऐसे सब ये नहीं पहनना चाहिए. बहुत बड़ी बड़ी हाई हील्स नहीं पहननी चाहिए, नॉर्मल पहनिए. बहुत सारी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, कानों में इतने सारी चीजें, गले में भी, ये सब नहीं.
बड़ी बहुत सारी लिपस्टिक लगाना, बिंदियां लगाना, ये सब नहीं करेंगे। तरीके से, सलीके से आपके पास एक कितनी अच्छे आप लोग लकी हैं, आप कितने लकी हैं, हम लोग कितने लकी हैं सब आज की डेट में। गांव हो शहर हो, शहर में तो है ही है, गांव में भी हर जगह हमारे पास गूगल है जिसमें आप सर्च करके देख सकते हैं। फॉर्मली ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, इसको फॉर्मल बोलते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ड्रेसिंग। इसके लिए हम जरा फॉर्मली ड्रेस होके जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इसके लिए सपोज और हाँ, डार्क डार्क कलर्स, रेड, वो तेज लाल, तेज येलो, ये सब नहीं, हल्का सा कोई नॉर्मल हो। आपको जाके शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, उसको प्रेस अच्छे से करेंगे, चाहे कोई भी कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रेस अच्छे से करेंगे, सादा होए बेटर है। शूज अपने नॉर्मल पहनिए, जो है उसमें कोई बात नहीं, साफ सुथरा जाए। लड़कियों के लिए खासतौर पर, अब लड़कों को भी बोल रही हूँ, बाल ऐसे आगे आ रहे हैं, लंबे बाल खोल के, आपके लंबे हैं, बहुत सफाई से बंद करिए। आपके छोटे हैं, बहुत सफाई से बनाइए। मतलब इसको आप पूछ रही थी ना, क्या नाम है आपका, ज्योति, अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो अपने आप को पहले, आप जो है ओवरनाइट, एक नाइट में आप बदल तो नहीं जाओगे, और क्यों बदलना है आपको, आप जो है अपने आप को तरीके से, सलीके से आप अपने आप को तैयार ऐसे करेंगे। हल्का लिपस्टिक लगाना है लगा लीजिए, बहुत सारी चूड़ियां वूड़ियां नहीं पहननी है, छन 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 ये सब नहीं करना। आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, समझे आप। अपना एक बैग लीजिए, बहुत बड़ा भी बैग, ऐसा थैला नहीं लीजिएगा, नॉर्मल जो बैग होता है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, हाथ में आपका छोटा पर्स है। मैं लड़कियों के लिए खासतौर पर बोल रही हूँ, लेके जाइए। लड़के जो है प्लीज टाइट टाइट टी शर्ट, यहाँ ऊंचे ऊंचे बाजू वाले, आप कोई जिम नहीं जा रहे हैं, आप कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करिए। जो आपके पास कोई कपड़े हैं उसको सलीके से पहनिए, सफाई से पहनिए, तो आप वो पहन के जा सकते हैं वहां पे। और शूज देखिएगा कौन से पहन रहे हैं, जो है वो पहनिए। मेरा मतलब ये है, साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी बन के जाएंगे, ऐसे हच पच, ऐसे गिचर पिचर नहीं करेंगे। बाल लड़के जो हैं, बहुत ऐसे स्टाइलिश नहीं बनाइए, नॉर्मल बाल करके जाइए, जेल वेल लगा के ऐसे नहीं जाइए। सफाई सुथरे से आप कहीं पे अपने आप को, आप प्रेजेंट की बात करें ना, हम अपने आप को कैसे सामने, दूसरे के सामने दर्शाते हैं, वो आपसे कोई इम्प्रेस नहीं होंगे, याद रखिएगा। वो आपको आपके कपड़े देखने के लिए नहीं बुला रहे, वो बुला रहे हैं आपका सलीका देखने के लिए, आप कितना उनके जॉब के लिए आप कितने फिट हैं, आप वो आपको इसलिए बुला रहे हैं, ठीक है। ये हम घर वापस आए थे, अब हम वापस इंटरव्यू प्लेस में आ जाते हैं, टीचर के जॉब के जॉब पे वहां वेट कर रहे हैं। आपको अंदर बुलाया जाता है, आप दरवाजा खोलते हैं, मे आई कम इन जरूर बोलते हैं। ये मैं ऊपर ऊपर के ज्योति और बाकी लोग भी है, रेखा और बाकी जो सब है यहाँ पे, मैं सबको टिप्स दे रही हूँ। अंदर जाते हैं, आप बैठते हैं और वहां से इंटरव्यू शुरू होता है। हम इसको यहीं छोड़ते हैं, आते हैं थोड़ा सा अपने बात करने के सलीके पे, जो कि मेरे पास पॉइंट्स है। गुड पॉइंट जो आपने उठाए हैं यहाँ पे, रेखा, ज्योति और बाकी लोग भी जो है यहाँ पे। अब अगर हम वहां पे गए हैं और हमें अगर बात करनी है, हमारा बात करने का तरीका, टोन कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल, जो कि दूसरे को समझ आए। सेकेंडली दूसरी जरूरत है पिच, मींस कितना ऊंचा बोलना चाहिए। आपके सामने जैसे कोई बैठता है और आप बात करते हैं, वैसे बोलिए, चिल्लाना ऊंचा बोलने का जरूरत नहीं, ना बहुत धीरे बोलने की जरूरत है, ठीक है। बहुत जल्दी 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 कई लोग बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा एजुकेशन ये है, मैंने ये काम किया, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे नहीं। प्लीज अगर आप अभी बता रही हूँ, अगर किसी आपके पास तो बहुत काम होना चाहिए, इंटरेस्टिंग काम, अगर किसी को आदत है बहुत जल्दी जल्दी बोलने की, प्लीज हैबिट डालिए, धीरे धीरे हम बोले, ताकि दूसरे को बात तो समझ आए आप क्या बोल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर बात आती है कलर्स, जो मैंने आपको बताया, बड़े तरीके से पहनिए। आपका जो जब आप चेयर पे बैठते हैं, आपकी बैक जो होती है बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं झुक के नहीं बैठना है कहीं पे भी। टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के जैसे बैठते हैं ना, ऐसे करके ऐसे नहीं बैठना। आपका जो भी बैग बैग है वो जाके टेबल पे कभी मत रखिए, हमेशा साइड पे रखिए, चाहे वो नीचे रखना पड़े कोई बात नहीं। आपके टेबल के ऊपर सिर्फ आपकी फाइल कवर होना चाहिए, जिसमें आपका रेज्यूमे है या और चीजें, राइट? मतलब आपके पास रेडी होनी चाहिए चीजें। बाय चांस वो कहते हैं आप हमको अपने ये दिखाइए, जो क्या कहते हैं ओरिजिनल्स हैं, ओरिजिनल्स आप दिखाते हैं। यू शुड ऑलवेज कैरी योर डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे हैं,
कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहीं पे इंसान के अंदर आता है ये तो बहुत ही लापरवाह इंसान है। फिर आप बैठ के करते हैं, ओहो मुझे तो जॉब ही नहीं मिली, मेरे को सब कुछ आता है। यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है, लेकिन ये इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते या कोई चीज नहीं लेके जाते हैं। मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि नहीं सॉरी, हम इनको तो काम पे नहीं रख सकते, ये तो इतने लापरवाह है, पहली बार ही आए हैं, इनको हमें चीजें दिखानी है और उनके पास कुछ है ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? सो ये चीज आपकी टेबल पे क्या होना चाहिए, आपकी जो सामने टेबल है आपका फोल्डर, दैट्स इट। हाथ आपके टेबल पे ऐसे नहीं होने चाहिए, चेयर पे पीछे करके ऐसे हाथ करके आराम से बैठिए। वो जो सामने बैठे हैं ना, उनको आपसे कोई चिढ़ नहीं है, वो आपको कोई नीचा नहीं दिखाएंगे, ये याद रखिए। वो ऐसे सवाल जवाब करेंगे जहां आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना स्विच बोने वाले कई सवाल करेंगे, पोक करेंगे। क्यों? आप एक ध्यान से बात सुनिए, वो आपसे पूछते हैं आप में पेशेंस है, धैर्य कितना है। अब जाहिर सी बात है जॉब चाहिए, हम तो बोलेंगे हाँ जी मेरे में तो बड़ी पेशेंस है, मैं तो सारा मेरे में बहुत पेशेंस है, मैं तो आराम से काम कर सकता हूँ। अब ये हर एक इंसान बोलता है मुझसे, ये बात नहीं है कि क्यों आप झूठ सच बोल रहे हैं। फिर वो ऐसी ऐसी बातें थोड़ा सा पूछते हैं, या तो रिपीट करके पूछते हैं या कुछ घुमा के पूछते हैं कि आप उसी टाइम कह देते हैं सर अभी तो बताया मैंने आपको, बस वो कहती हैं देखो। फिर उनको समझ आती है ये तो बोल रहा था मेरे में पेशेंस है, या बोल रही थी पेशेंस है, इनमें तो धैर्य है ही नहीं, थोड़ा सा इनमें तो सब्र ही नहीं। आपको समझ आया? जब हम कोई भी सवाल का जवाब वहां पे देंगे ना, वो आपको ऐसे चेक करेंगे, आपसे कोई और सवाल पूछ के करेंगे, समझे? फिर आपकी बात आती है यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट। वॉट इज आई कॉन्टैक्ट? आई कॉन्टैक्ट इज जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को सब पता है, आप सामने उनको देख के बात कर रहे हैं, ये नहीं आप बात कहीं कर रहे हैं उनके जो दीवार के ऊपर पेंटिंग है उसको देख रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, या जो तीन जने बैठे हैं आप दूसरे जने को देख रहे हैं बात उनसे कर रहे हैं। आपको पता होगा जब आप घर में होते हैं क्या होता है, आप सॉरी जब आपसे कोई बात करता है या आप किसी बड़े से बात करते हो, आप क्या कहती है, इधर देखे बात करो, ये कोई मैनर से बात करने की, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बात आती है, राइट? तो इसीलिए इट्स बेटर जब आपसे कोई बात कर रहा है, मेक श्योर कि आप आंख में आंख डाल के आराम से उनसे बात करें, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है फेशियल एक्सप्रेशन। व्हाट इज फेशियल एक्सप्रेशन? फेशियल एक्सप्रेशन इज आपका जो भाव होते हैं फेस पे कैसे होते हैं। अब आप कुछ सोच रहे हैं, अब आप ऐसे मुंह बनाएंगे या ऐसे करेंगे या हाथ रखेंगे या कुछ ऐसे करेंगे, ये नहीं, नॉर्मल फेस रखिए, कुछ नहीं करना है आपको। कुछ सोच रहे हैं ठीक है, बट ठीक से बैठ के नॉर्मल एक आराम से बैठ के, जैसे हम किसी से भी, जैसे आप ये सोचिए आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं पहली बारी, क्या करते हैं आपके हाव भाव कितने बदलते हैं, ज्यादा नहीं। अगर हम किसी को नहीं जानते हैं, बहुत ही रिसेंटली फॉर्मली बैठ के उनसे बात करेंगे ना, हम ज्यादा तो मतलब अपने ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे, समझे? इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा रहा आपका जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? लेट मी रीड इट फॉर यू। इफ यू फेल टू जेस्चर व्हाइल स्पीकिंग, यू मे बी परसीव्ड एज बोरिंग एंड स्टफ। यूज योर हैंड्स टू एम्फसाइज पॉइंट्स बट अवॉइड टू मच ऑफ द हैंड वेविंग। सपोज उन्होंने आपसे पूछा, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये बताइए आपने अंडर प्रेशर कभी काम किया लाइफ में? आप ऐसे बैठते हैं और आप बोल रहे हैं जी मैंने अंडर प्रेशर काम किया है, मेरे ऊपर जब बहुत ही अंडर प्रेशर, आप जानते हैं सब आई एम श्योर, हाँ मेरे ऊपर बहुत ही प्रेशर पड़ गया था, मैंने काम किया, मेरे घर में मेरी मम्मी बीमार थी, मैं काम कर रहा था, फिर मेरे को खाना भी बनाना पड़ा। नहीं, आप ये सोचिए जब आप, क्योंकि ये कोई आपको डरने की बात नहीं है, जब आप किसी से मिलते हैं, आपसे जनरली कोई पहली बार मिल रहा है आपसे, अगर आपसे वो पूछते हैं आप क्या करेंगे, बड़े रिलैक्स होकर बोलेंगे ना। आप लोग अपनी देखिए हाथ है ना, हैंड मूवमेंट्स थोड़ी बहुत कर सकते हैं, आप जितना रिजिस्ट करेंगे मीन्स जितना आप संकोच करेंगे उतना लगेगा ये बनाकर बोल, ये फैक्ट है, ठीक है? तो हाथ मूवमेंट जेस्चर्स होता है हाथ की मूवमेंट, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, और एक्सप्रेशन बोलने में एक तरीका, एक जैसे नॉर्मल बोलते हैं, इन चीजों में घबराने की जरूरत नहीं है, समझ आए आपको? पोस्चर, एज आई सेड, पोस्चर आपका सीधा होना चाहिए चेयर के ऊपर बैठे हुए। एंड व्हेन यू गो इनसाइड ना, दे से प्लीज आस्क देम जी मैं बैठ जाऊं या मे आई सिट डाउन, अपने आप जाके कुर्सी पे जाके नहीं बैठ जाना, ठीक है ना? ये आपकी लंच पार्टी नहीं थी कि आप गए और आप जी कैसे क्या जी बैठी बैठी मैं आके बैठ गई, ठीक है? उनसे बोलिए सर मे आई सिट डाउन या जी मैं बैठ जाऊं, दोनों में से जो आपको ठीक लगता है। स्पेस,
ओके, बहुत जरूरी चीज, जब आप बात कर रहे हैं वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उनकी बात बहुत सही से और ध्यान से सुने, ये इसका मतलब होता है एक्टिव लिसनिंग। आप कितने सही से उनकी बात सुन रहे हैं। अगर आपने उनकी बात, आप सपोज वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, हो सकता है उसके साथ में वो पूछे जी आप बताइए आपके जी क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स, सरिता आपके आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और आपने अभी पूरा सवाल सुन लिया, आपने बोलना शुरू किया जी मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं तो बहुत बड़ी मैं टीचर बनूंगी और बाद में मैं प्रिंसिपल भी बनूंगी, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछ रहे हैं पहले कंप्लीट करने दीजिए, क्या पता वो आगे को और कुछ पूछना चाहते हैं, समझे, तो इंपेशेंट नहीं होना है, उनको पूरा अपने उनको पूछने दीजिए वो क्या पूरा पूछना चाहते हैं। दो मिनट दीजिए, सपोज आपको कोई चीज नहीं समझ आई, रुक जाइए, बोलिए सॉरी मेरे को दो मिनट दीजिए मैं सोच के कोई दूसरा सवाल, इसके लिए तो आपके आंसर होगा, कोई वो ऐसा सवाल पूछेंगे जिसके पास आप जिसका आंसर आपको सोचने टाइम लगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप उनको बोलेंगे ना सर एक मिनट में जरा सोच के बता दूं, प्लीज टेक योर टाइम, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां आपने सुना और उसके बाद एकदम से हड़बड़ा गए कि मैंने क्यों नहीं बोला, ये मुझे पता नहीं यू नो एक्सपेक्ट करे, ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे आज इन माय जॉब, वहां गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हैं आप। तो आपको जब कोई सवाल पूछता है वेट करिए फिर जवाब दीजिएगा, और जब जवाब दे रहे हैं कोई चीज अगर समझ नहीं आती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज बेटर अगर आपसे कोई वो कोई स्किल्ड सवाल पूछते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब के लिए गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं और आपको समझने में दिक्कत हो रही है, जवाब जरूर दीजिए, और अगर नहीं समझ आता है उनको बोलिए सर प्लीज या मैडम प्लीज आप फिर से मुझे बता पूछेंगे, फिर से एक्सप्लेन जरा कर देंगे, ट्रस्ट मी इसमें कोई खराबी नहीं, इट इज बेटर टू से दिस देन कि आपने सुना और आपने कहा नहीं नहीं मैं क्या करूं मैं कैसे फिर से। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टिप्स अभी बता रही हूँ ताकि आपके लिए, ये तो अभी बहुत शुरुआत, थोड़ी सी चीजें मैंने बताई है क्योंकि किसी ने पूछा कि आगे इंटरव्यू में हमें क्या पूछा जाएगा और हमारे को हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करने के अलावा मैंने आपको और भी चीजें बता रही हूँ, तो वो जो सवाल पूछते हैं उसके जवाब आपको मिल जाते हैं और आप यू नो उसके आप आंसर्स दे देते हैं, बहुत रिलैक्स रहिए, घबराया नहीं करिए, और अगर तीन लोग हैं तो पहले होगा क्या, तीन में से सपोज एक बोल रहा है एकदम से तीसरा भी बोलेगा दूसरा भी बोलेगा, आपको ये 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 मोमेंट बहुत टफ होता है, ये आपके लिए है, और वो क्यों करते हैं ऐसा आपको मालूम है, ये नहीं कि उनको मैनर्स नहीं है वो ऐसे कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में इस माहौल में इस हालात में कैसे तीन लोगों को डील कर रहे हैं इकट्ठे, आपसे एक ने पूछा साथ में दोनों दूसरे ने भी पूछ लिया, अब क्या करेंगे, मैं इसको बोलूं उसको बोलूं, नहीं आप उनको बोलेंगे सर मैं इनको एड्रेस करूं इनका आंसर देगा फिर आपके आंसर्स को, सो दे हैव टू सी वेयर यू स्टैंड, आप कितना किस तरीके से लोगों से डील करते हैं। सो आपको समझ आ रही है ऑल ऑफ यू हियर कि जब हमने पहला पॉइंट लिया था सेल्फ एक्सप्रेशन वो कितना यहाँ पे काम आ रहा है कि हमारे बारे में हम कौन है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्षमता क्या है, हम किस तरीके के इंसान हैं। तभी मैंने आपको बोला था मुझे ये पॉइंट्स जरा लिख के दीजिए कि अपने बारे में कुछ लिखिए, और मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि मुझे बताइए आप ट्रेनिंग से आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। सो एक्टिव लिसनिंग एक होता है लिसनिंग, एक क्या होता है हियरिंग एंड लिसनिंग होता है, हियरिंग लिसनिंग में क्या फर्क है, आप बैठे हैं घर में या आपके भी सेंटर में या जहाँ पे भी आप घर में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पंखा चल रहा होगा, कोई दूसरे कमरे में बोल रहा होगा, बाहर कोई गाड़ी जा रही होगी, तो ये हियरिंग है, आप लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है सुन रहे हैं, आप कान लगा के नहीं सुन रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे ओह देखो पंखा भी चल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो बोलेंगे, लेकिन एक्टिव लिसनिंग ये है कि जहाँ पे आप अगर कोई बोल रहा है उसको अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं उसको एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन का बहुत बहुत जरूरी हिस्सा होता है, समझे आप। जो एक्टिव लिसनिंग होता है उसके लिए ये समझना जरूरी है कि उसके लिए क्या क्या पॉइंट जरूरी है एक एक्टिव लिसनर के लिए,
मैं आपको बोल देती हूँ, सुनने में वक्त लगाइए, जो आप सुन रहे हैं पूरी बात सुनिए, ठीक है? अगर कोई कुछ बोल रहा है उसको आप कंप्लीट करने दीजिए सेंटेंस, आप उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको कह रही हूँ कल हमारा सेशन होगा, तो हम कल सेशन में ना प्रेजेंटेशन स्किल करेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स में मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगी, उसमें ये भी बताऊंगी कि आपस में बात, आप यहाँ मैम मुझे पता आपस में बात कैसे करते हैं, आपस में कैसे इंट्रैक्शन करते हैं, ये कभी कभी नहीं करना चाहिए, ये तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, ये एटिकेट में आता है, ये अदरवाइज भी, जॉब छोड़िए, जॉब की चीज को छोड़िए, अदरवाइज भी इसको कभी नहीं ऐसे करना चाहिए कि आप दूसरे के सेंटेंस को कंप्लीट करें, ठीक है? जब कोई आपसे सवाल पूछ रहा है आप उसका जवाब दीजिए, उसके रिटर्न में, उसके बदले आप सवाल नहीं पूछेंगे। मैं आपको कह रही हूँ एज एन इंटरव्यूअर की, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर यू नो अबाउट योर एजुकेशन, आप मुझे कह रही हैं प्लीज टेल मी अबाउट द स्कूल, ये नहीं करना। जो सवाल पूछे आपको मतलब फोकस रखना है, वो जो पूछ रहे हैं चाहे जहां भी पूछ रहे हैं उसी का ही जवाब देना है आपको, राइट? Another point is, don't be biased. Bias का मतलब क्या होता है? आप लोग मतलब मैं ये भी कहूँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये सब नहीं करना होता है। जो आपका thought है, एक ही चीज सही है तो एक ही चीज के बारे में बोलना है, आपको साइड नहीं लेनी, राइट? जो बोल रहा है, जो भी स्पीकर है, जो आपसे बात कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, अपने आप नहीं सोचिए हाँ ये तो आगे ये बोलेगा, क्या पता जो वो सवाल कर रहा है उसका शुरुआत किसी और सवाल से मिलता हो वो, और वो बोलना कुछ और चाह रहा हो और आपने पहले आंसर सोच के उसको जवाब दिया, जो कि पता चलता है कि आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे। समझ आए? कभी भी जब कोई सवाल पूछ रहा है अपने ख्यालों में आप मगर नहीं रहिए कि ये सोच तो ये बोल तो ये रहा है, आप सोच रहे हैं हाँ मेरी सैलरी कितनी होगी, बड़े मजे आ जाएंगे, 12,000 मिल रही है ना या 15,000, उसमें से 2,000 तो मैं उठा के रखूंगा, यस सर क्या बोल रहे थे, ऐसा प्लीज कभी मत करिए, ये बहुत गलत होता है, ये शो करता है कि आपका अटेंशन वहां नहीं है। तो फोकस करना, ध्यान देना, अगर वो आपको सैलरी चाहिए या काम चाहिए तो जो पहले, उससे पहले ये स्टेप्स है ना, हमें जब कोई भी काम करना होता है क्या होता है, जो भी कोई स्टेप्स होते हैं हमें वो स्टेप्स पूरे करने होते हैं, उसके बाद वो हम मंजिल पे पहुंचते हैं जॉब की, ठीक है? अनदर पॉइंट इज try to understand what the speaker is saying by asking open ended. अगर आपको कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ आता है तो प्लीज आप उनसे फिर से पूछेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? नर्वस नहीं होना है। नर्वस क्यों होते हैं हम कि उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया या कुछ ऐसा सोच पूछ लिया कि हम नर्वस हो गए या हमारे को टेंशन आ गई। टेंशन का मतलब क्या होता है, जब आप हाथ बैठ के ऐसे ऐसे मिलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे यू नो ये सब करते हैं, इसका मतलब आप बहुत ही नर्वस है, बहुत ही टेंशन है, जितना करेंगे वो और आपको करेंगे ताकि देखेंगे आपकी क्षमता कितनी। प्लीज जॉब है, कोई भूत नहीं बैठा है वहां पे, एक इंसान बैठा है जो आपको चेक कर रहा है, तो उसके साथ कोई, कभी क्या होता है आपने सुना है लोगों को कहते हुए ऐसा था वो खड़ूस सा, ऐसी मैडम थी ऐसा खड़ूस सा था, उसने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। आप रियल लाइफ में अगर उससे मिलेंगे आपको पता चलेगा वो तो बहुत अच्छा उसका बोलने का तरीका है, वो आपको चेक कर रहा था। तो प्लीज कोई भी थॉट लेके नहीं जाइए जब आप बैठते हैं किसी के सामने, वो तो आपको चेक कर रहा होता है कि आप किस तरीके के हैं, क्योंकि उसने जॉब देना है आपको, ऐसे किसी को उठा के तो नहीं दे देगा ना। और एक मीटिंग में या दो मीटिंग में कितना पता चल जाएगा, इसीलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और टूल्स जिस वो होते हैं, जैसे किसी ने मुझे लिखा था यहाँ पे जब परसों एक मेरे को ये पॉइंट लिखे थे ना, जब मैंने पूछा था कि जो मैंने आपको क्वेश्चन लिए थे, किसी ने ये पॉइंट लिखा था कि ये जो यंत्र है, ये जो टूल है हमारा ट्रेनिंग टूल, उससे मेरे को जॉब मिले, उससे मैं बहुत अच्छा काम आगे करूं और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले अपनी लाइफ में और अपने जॉब में अप्लाई करूं, विच इज ट्रू, इट्स अ फैक्ट। ये जो टूल है इसको, ये एक टूल ही है ना जो हम कर रहे हैं, तो आपसे जो पूछा जाएगा उसको उसी हिसाब से आपने उसके जवाब भी देने, राइट? नर्वसनेस नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन की बात अभी आगे की है, प्रेजेंटेशन की अभी कोई बात नहीं है। ये आपने उनसे, मैं ये बात करी थी, आपने सवाल सुने और आपने उनके जवाब दिए एक गुड लिस्नर के तौर पे, लेकिन अगर आपको उनको बोलना है, कुछ बात करनी है, तो आपसे पूछा जाता है। देखिए जब इंटरव्यू खत्म होता है ना, आपसे पूछा जाता है कि
ये बताइए कि आपके आपका क्या ख्याल है, आपको कैसे, आपको आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मुझे पता है सारे लोग जो है एंड ऑफ द डे कहते हैं जी हमारी सैलरी बताइए कितनी होगी, सैलरी देखो स्टूडेंट्स, सैलरी मिलनी मिलनी, आज इतनी मिली आगे और मिलेगी जिस हिसाब से आप वहां पे परफॉर्म करोगे, उससे ज्यादा जरूरी है आपको अगर कोई सवाल कंपनी के बारे में है, स्कूल के बारे में है, अपने काम के बारे में, वो पूछिए। सपोज वो कहते हैं आप बताओ आपको कुछ पूछना है, आप पूछेंगे मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आप पूछेंगे यहाँ पे टाइमिंग्स क्या होते हैं, आप और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं जो आपके दिमाग में आएंगी। सैलरी को हमेशा एक तरफ उठा के रखिए। देखिए मैं नहीं कह रही हूँ जब हमको कोई जॉब मिलता है अगर हमारे को 20,000 बोली है, अगर वो हमारे को 10,000 और 8,000 देंगे, जाहिर सी बात है आई एम श्योर आप लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो सैलरी इज डिफरेंट, वो अलग लेवल है सैलरी का, लेकिन उनको भी देखिए, उन्होंने आपके सवालों से आपके जवाब मिल गए, अब आप भी सेटिस्फाइड होने चाहिए ना जो आप यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, समझे आप। तो आज मैंने थोड़ा सा पॉइंट आपको बताया है जो कि मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। मंडे को भी हमारी यही क्लास होगी, प्रेजेंटेशन की, सेल्फ एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन वगैरह जो हम करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारा हम मंडे को भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यू स्किल्स भी करेंगे। एट द सेम टाइम मंडे से मैं आपको आई थिंक मैं आपसे जो है प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, जो कि प्रेजेंटेशन में बहुत सिंपल होंगी, वहां पे मैं आपको बताऊंगी, आपको और बेटर समझ आएगा। बिसाइड्स दैट हम नोट्स भी इकट्ठे करेंगे, बट प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ ये बहुत जरूरी है कि आप सेशन ज्वाइन करें और यहाँ पे प्लीज लिखा करें जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच, मुझे भी आप लोगों से इंटरेक्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड हम परसों मिलते हैं मंडे को अब, एंड तब तक आपके पास जैसे सुनील सर ने बताया प्लीज बाकी जो लोग हैं जहां जहां सेंटर्स में हैं अपने पॉइंट्स लिख के तो उनको दीजिएगा ताकि हम उनके ऊपर भी काम करें, राइट। एंड दैट्स इट, आज की क्लास हम फिर यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।